सौदे गिणवाजी एक रागनी है, बिना बाप का बेटा सोना, बिन माता की छोरी भूमि, बिन जमींदार सोना, बिन बालम की गोरी, चार चीज बताई। और देखिए उस दादा लक्ष्मीचंद के समय के कवि बाजे भगत जी ने कितनी चीज बता दी, क्या बना के सोना वो जी नो कह रहे थे सही से ब्राह्मण होगा उसने पंडित लखन की जरूरत तक बोलिया आप पर पिछड़ जाएगा ये ब्राह्मण हर जगह लठ लेकर अग्नि भजन सुन जा करते छत्री सुना हथियार बिना एक आराम से भजन रागनी सब सुन रहे हैं एकदम को सांप निकल आओ सब खड़े हो जाएंगे क्यों खड़े हो जाएंगे उस सांप के पास एक ऐसी चीज है जिससे सबका कर्जा न्यूक रहे क्या है वो जहर विष उस बनाओ सुनना और जो जहर उस दोहरना हो तो किसे हो उसके गोड्डे में भगा देगा उसके गोड्डे में भगा देगा कितने घंटे हो एक आधा आदमी इतना भार पकड़ बांध लेगा और गांव में एक पीछे की भी इज्जत नहीं हो इज्जत नहीं हो तो फिर तो भाई सब थान लपेटियो के सारे इलाके क्या कहा सुशील गोकलपुरा निवासी 100 रुपए भाई जी का बड़ा बड़ा धन्यवाद
अंबर के कट के मुर्दाबाद जिंदाबाद क्यों लागे है। जब राजा सही नहीं होता, राजा बिना प्रजा भी सुननी बताई है कवि ने। कैसे छोरे ताई पकड़ा देते, 80 साल के बूढ़े ताई बाज के पकड़ ले। नाटक होन्या कवि ने एक जगह बताई है, जब रुपया ना नाइट के हाथ में, जब नाइट जो है जब उसका छोरा ना हो, संतान ना हो, जब नौके देगा रे फूक दे मेरे सारा नाम ने क्या आज लानी रुपया का मार के कुकन रो है ना दो कहे कोई ने क्या कहा। मंत्री गणी ना नीम छाने जर रगड़ रगड़ के छाने का था गणी ना नहीं हो जाएगी। एक काम कर दे, जाकर रपट लिखवा दे कहां कृष्ण चंद पंडित जी भी वहीं का था, ब्रिगेडियर होशियार सिंह भी वहीं का था, पंडित मांगेराम भी वहीं का था, और पद्य भगत भी उस काम का था। क्या कहा
किसी ने भगवान कला दे दे तो उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। एक भाई गंदे डांस करे लड़की रखे और ये सौदे उसको फल नहीं मिलेगा कभी इनका। सच है ये बात, क्या कहा। Thank you.